स्वागत है आपका रिमार्स नॉर्थ एंड साउथ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे के फरे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। चावल के फरे बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है। इसको हम गर्म पानी से मिक्स करेंगे। पानी को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको स्पून की मदद से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है इसलिए हम हाथों से इसको नहीं मिक्स कर सकते हैं। इसलिए हम पहले इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे हल्का सा ये ठंडा होने के बाद। ये देखिए इस टाइम पे हल्का सा ठंडा हो गया है और अब हम इसको हाथों से मसल मसल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी ये काफी गर्म है, थोड़ा केयरफुली आपको इसे मिक्स करना होगा। इस तरीके से आप पूरे आटे को मिक्स कर लें। इस टाइम पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के फरे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। इस टाइम पे हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हाथ में और आटे में इस तरीके से लगाते हुए हम इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाता है। आप इसको स्टीम में पकाने के बाद ऐसे भी खा सकते हैं और इसको चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल में तड़का दे सकते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के ढक कर इसको रख देंगे साइड में। इस तरीके से ऑयल लगा दें जिससे कि ऊपर से ड्राई नहीं होगा, और कपड़े से कवर कर दें इसको अच्छे से। अब हम चलेंगे फरे की फिलिंग बनाने के लिए। मैंने 1 कप चना दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। इसी कप से मैंने 1 कप चना दाल लिया है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये भीग गई है। ये देखिए इसको अब हम अच्छे से धो लेंगे और धो कर इसको हम चलेंगे ग्राइंड करने के लिए। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी की जार में थोड़ी सी दाल डालेंगे। पहले थोड़ी दाल डालने के बाद कुछ हम इसमें खड़े मसाले ग्रीन चिल्ली डालेंगे। मैंने 1 ग्रीन चिल्ली लिया है और 1 सूखी लाल मिर्च लिया है। इसी के साथ मैंने 9 से 10 लहसुन लिए हैं। लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाला है। आप खड़ी हींग का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। 8 से 9 मैंने काले मिर्च डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। इन सभी चीज़ों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। सारी चीज़ें मैंने दाल में थोड़ी सी डाल के इसलिए ग्राइंड करी है क्योंकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। खाली मसालों को अगर ग्राइंड करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्राइंड नहीं होगा, खड़ा खड़ा रहेगा। इसलिए थोड़ा दाल डाल के आप ग्राइंड कर लें, फिर आप पूरी दाल डाल के ग्राइंड कर लें। ये देखिए पूरी दाल डाल के भी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। आपको इसको एकदम पेस्ट नहीं बनाना है और बिना पानी डाले आपको इसे ग्राइंड करना है। स्लो स्लो करके ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और थोड़ा इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें धनिया पत्ता नहीं डाला है, इसको ऐसे ही बनाया है। और आप इसमें चाहें तो खड़ा धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम चलेंगे फरे बनाने के लिए। आटा थोड़ा सा हार्ड हो गया है, देख सकते हैं आप। इसको हम फिर से हाथों से इस तरीके से दबाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आपको फिर भी यह हार्ड लग रहा हो या टाइट लग रहा हो तो थोड़ा सा हाथों में पानी लगा लें और फिर से इसको मिक्स करें। ये फिर से पहले जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलेंगे फरे बनाने के लिए। मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद हम थोड़ा सा आटा लेके इस तरीके से रोल करेंगे और एक इसको टिकिया का शेप दे देंगे। इस तरीके से हाथों में बहुत अच्छे से दबेगा क्योंकि आटा सॉफ्ट है। आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का आप फरा बना लें। ये देखिए इसमें अब हम दाल लगा देंगे बीच में स्पून की मदद से।
जितनी फिलिंग आपको भरनी है उस हिसाब से आप भर लें। और इसको अब हम कर देंगे फोल्ड। इसी तरह से हम सारे फरे बना के रेडी कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली ये बन जाता है। साइड में थोड़ी सी दाल कम लग रही है इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइड से भी फिल कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट फरा हमारा बन के रेडी है। सारे फरे हम बना लेंगे। ये देखिए मैंने इतने फरे बना लिए हैं, इतनों को पहले स्टीम कर लेंगे फिर और बना के स्टीम करेंगे। मैंने स्टीम वाली प्लेट ले ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे कि ये चिपके ना। इस प्लेट में हम सारे फरे को एक एक करके रख देंगे। स्टीम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे फरे को रख दिया है। पानी मैंने पहले से ही बॉयल करने के रख दिया था स्टीमर में। इस प्लेट को हम केयरफुली अंदर रख देंगे, क्लोज कर देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट के लगभग हो चुका है, ओपन करके देखते हैं। आप हाथों से छुएंगे तो ये टाइट लगेगा और चिपकेगा नहीं, यानी कि ये परफेक्ट पक चुका है, देख सकते हैं आप। इसको हम निकाल लेंगे। एक इसमें हम तड़का लगाएंगे जिससे ये देखने और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में हम। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई 1/2 चम्मच। राई डालने के बाद थोड़ा सा राई चिटक जाएगी, तब हम डालेंगे इसमें करी पत्ते। बस आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालना है, आप चाहे तो इसमें सूखी हुई खड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है इसमें। करी पत्ते भी अच्छे से भुन गए हैं, इसमें फरे ऐड कर दिए रहे हैं हम, जितने बनाए थे सारे फरे हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है आपको, नहीं तो इस देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये ऊपर से ये ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। बस ऑयल में हल्का सा इसको फ्राई करना है और इसको हम सर्व करेंगे। फिर देखिए बिल्कुल परफेक्ट फरे हमारे बनके रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म फरे हमारे रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ट्राई करिएगा इस रेसिपी को इस तरीके से और मुझे कमेंट करके बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। कुछ अलग सा खाने का मन हो तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।